The treatment portion as suggested or directed by Dr. Radhesh Shyam Saini in this video can only be practiced by a registered veterinary practitioner. Non-registered practitioners are not supposed to do that, otherwise they will only be responsible for any kind of issue. प्यारे दोस्तों नमस्कार, वेट गुरु राधे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये है महेंद्र जी सर, पीटीआई जी सर और इनके बड़े भाई, दोनों ही इन्होंने कहा कि एंटेरोटॉक्सीमिया जो राजस्थान में बारिश का सीजन में, जरा दिखाइए इधर, बारिश हो रही लगातार। तो दोस्तों लगातार बारिश हो रही और इस बारिश के महीने में जो भेड़ बकरी में बीमारी होती है वो एंटेरोटॉक्सीमिया, जिसको हम पल्पी किडनी डिजीज या फिर हम उसे लेम डिसेंट्री या फिर उसे ओवर ईटिंग डिजीज भी कहते हैं, तो उसका ये हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, टीकाकरण कार्यक्रम। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो जरूरी चीज़ है, जो मिनिमम एज है पशुओं की भेड़ बकरियों की, वो है 3 मंथ्स। 3 महीने की मिनिमम आयु होनी चाहिए, उसके बाद में कभी भी लगा सकते हैं। तो 3 महीने की जो छोटे छोटे कीट्स हैं इनमें हम लगा रहे हैं, और ये जो आप बकरियाँ देख रहे हैं, बकरियाँ भी हैं और इनके बीच जो बकरे भी हैं, मैं आपको बताऊँ, वो जो आदमी खड़े हैं वो आदमी है, बाकी सब बकरे हैं, ठीक है दोस्तों, और ये बच्चा है, बाकी सब भेड़ बकरियां हैं, भेड़ नहीं है, बकरियां हैं और बकरे हैं। जिन्होंने देखे जरा नजदीक से दिखाई, ये सींग के देखो कलर लगा हुआ है, ये हमने सिंदूर से कलर इसीलिए लगाया क्योंकि इतनी बकरियों में इसको टीकाकरण किसको हो गया है नहीं हुआ, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अंतर पता करने के लिए कि इसमें वैक्सीनेशन हो गया है। ये लगता है 2.5 ml 2.5 ml सबक्यूटेनियस, और ये भेड़ बकरियों में एकमात्र टीका है ऐसा जिसका हम क्या करते हैं, बूस्टर करते हैं, बूस्टर वैक्सीनेशन करते हैं 14 दिन बाद, आफ्टर 14 डेज वही 2.5 ml सबक्यूटेनियस लगेगा, तभी भी 14 दिन बाद बूस्टर करेंगे। आज हम लगा रहे हैं, फर्स्ट डोज है, तो सबके सींगों के हमने रंग लगा दिया है, इसको हम बोलते हैं हॉर्न मार्किंग्स, कलर मार्किंग्स ऑन हॉर्न्स, तो इससे पता चल जाता है भाई इसको वैक्सीनेशन हुआ इसको नहीं हुआ। तो वही 2.5 ml सबक्यूटेनियस सबको लगा दिया है। ये 3-3 महीने के छोटे छोटे किड्स हैं, अब इनको लगा रहे हैं, जरा दिखा मैं दे सकता। ये महेंद्र जी सर हैं, पीटीआई जी, हालात के सताए गए मुजरिम, आपके सामने वीडियो चालू है ना भाई, आप इनकी हंसी में भी समझ सकते हो, कहते ना कि आज बड़े मुस्कुरा रहे हो, ऐसा क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। तो दोस्तों ये हालात के सताए हुए मुजरिम महेंद्र जी सर आवा, ये हमारे परम मित्र हैं और इनके आज आए हैं टीकाकरण करने के लिए, हमारे मित्र हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फीस नहीं लेंगे, वो तो खैर बराबर इनके लागू है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ये हमारे मित्र है, ठीक है दोस्तों। तो वेट गुरु राधे चैनल पर जुड़े रहिए, इस प्रकार से देखो टीकाकरण का हम आनंद ले रहे हैं, सिर्फ भेड़ बकरियां भी ले रही है, ताकि इस खतरनाक जानलेवा बीमारी से इन पक्षियों को, पक्षियों का क्या मतलब पक्षी नहीं है, इन पशुओं को जो भेड़ बकरे हैं इनको हम बचा सके दोस्तों, इस प्रकार से वैक्सीनेशन करते हैं, और हमेशा मानसून से पहले, बिफोर मानसून ही हम ये एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीनेशन करते हैं, और गाय भैंस में बिफोर मानसून हम करते हैं ब्लैक वाटर और हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया HSBP करते हैं, क्योंकि ये तीनों बीमारियां इस मानसून सीजन में ही प्रकट होती हैं। तो इसलिए दोस्तों ध्यान से बिफोर मानसून आपको ये टीकाकरण प्रोग्राम चलाना है, ताकि इन पशुओं को बचाया जा सके मौसमी बीमारी से, और जिन रोगों मौसमी बीमारियों से रोगों से बचाने का जो उपाय है, बचाव का तरीका है, इसको हम बोलते हैं प्रोफाइलेक्सिस, इसको प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें क्वारंटीन आता है, जिसमें अब किसी भी सस्पेक्टेड एनिमल है इसको बीमार है उसको तो हम आइसोलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्वारंटीन। इसके बाद में करते हैं वैक्सीनेशन, फिर जो मर गया उस पशु का करते हैं प्रॉपर डिस्पोजल, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों चीजें, क्वारंटीन, वैक्सीनेशन और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कारकस, ये तीनों चीजें आती हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन में, या प्रिवेंटिव, या जिसको हम कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट अर्थात प्रोफाइलेक्सिस। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए वेट गुरु राधे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, नमस्कार।